आबादी में पहले नंबर पर काबिज होने वाले चीन ने इतिहास दर्ज कर लिया है। 6 दशक में पहली बार चीन की आबादी में गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद अब भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनने की कगार पर है। एक रिपोर्ट की माने तो चीन के सांख्यिकी ब्यूरो की ओर से ये बताया गया है कि 2022 के अंत में चीन की आबादी लगभग 8,50,000 से घटकर 141 करोड़ से ज्यादा हो गई। ऐसे में अब भारत के लिए चिंता की बात बन गई है, क्योंकि 1961 के बाद पहली बार दर्ज की गई इस गिरावट के बाद आशंका जताई जा रही है कि भारत इस साल दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनेगा। उधर चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो यानी कि NBS के अनुसार देश में पिछले साल की तुलना में 2022 के अंत में आबादी 8,50,000 कम दर्ज की गई, जिसमें दूसरे देशों में आकर चीन में रह रहे लोग शामिल नहीं हैं। चीन में 2022 में 9.56 मिलियन लोगों ने जन्म लिया, जबकि मरने वालों की तादाद 10.41 मिलियन दर्ज की गई। गौर करने वाली बात यह है कि NBS की ओर से यह घोषणा ऐसे वक्त में की गई जब चीन की आर्थिक वृद्धि 5 दशकों में अपने दूसरे सबसे निचले स्तर पर आ गई। हालांकि 2022 में चीन में 3% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, वहीं हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2023 में दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पछाड़ देगा। 2050 में भारत की आबादी 1.668 अरब होने का अनुमान है, जो इस सदी के मध्य तक चीन के अनुमानित 1.317 अरब की आबादी से अधिक है। चीन की आबादी में लगातार हो रही गिरावट के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की घटती आबादी से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने का भी खतरा है। चीन की जनसंख्या में आ रही गिरावट का आर्थिक तौर पर काफी बुरा असर होगा, क्योंकि चीन में लोगों के पैदा की संख्या कम है और आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। ऐसे में जल्दी ऐसा समय भी आएगा जब चीन के पास काम करने वाले युवाओं की कमी होगी। वहीं घटती आबादी के बीच चीन ने 2016 में 35 साल से चली आ रही एक बच्चे की नीति में ढील दी, जिसके बाद परिवार में 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति मिली थी, लेकिन चीन की आबादी में इसका कुछ खास फायदा होता नहीं दिखा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।